तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि YouTube से पैसा कैसे आता है और YouTube पर कितने व्यूज का कितना पैसा मिलता है और YouTube से आप किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियोज और ऐसे ही यूट्यूब से जुड़ी वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ, तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यानी कि यदि आपका चैनल कोई सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं मिलेगा आपको, और यदि कोई आपका वीडियो लाइक करता है, कमेंट करता है, तो उसका भी पैसा नहीं मिलेगा। इससे पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है, पैसा आता कैसे यूट्यूब से? तो चलिए मान चलिए आपने यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद होता क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर्स, आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब सब्सक्राइबर क्या है, तो देख, तो यूट्यूब पर जो लोग आपके वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वो लोग आपको आपके वीडियो को लाइक करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको हमेशा देखना पसंद करेंगे। जिन किसी को आपका वीडियो एक बार पसंद आएगा तो वो लाइक बस करेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपके वीडियो हर बार देखना पसंद होगा, आपके वीडियो का वेट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यानी कि जो लाल बटन होती है, जैसे कि अभी आपने मेरा सब्सक्राइब किया चैनल, तो इस सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे यूट्यूब पर, ठीक है। जब आप कुछ दिन काम करेंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 6 महीने लगातार काम करेंगे, तो दोस्तों आपके 1000 सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा 1000 सब्सक्राइबर आपके कब हो गए, 1000 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, 1000 2000 3000, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर 4500 के आसपास सब्सक्राइबर, ठीक है। तो ऐसे ही आपके भी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा होता है वॉच टाइम, 4000 घंटे आपका चैनल जब से बना है, ठीक है, तो जब से बना है, तो जब से बना नहीं, 365 दिन के अंदर, यानी कि साल, एक साल का टाइम होता है 365 दिन के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आपका एक साल के अंदर वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, जब नेक्स्ट अगले साल भी जाएंगे और अगले साल में आपका वॉच टाइम पूरा हुआ, तो जब आपका चैनल वॉच टाइम पूरा करता है तो तब से लेकर पिछले 365 दिनों के अंदर का वॉच टाइम काउंट किया जाता है। तो आपको 365 दिनों का, यानी कि लास्ट 365 दिनों के अंदर का वॉच टाइम आपके चैनल पर 4000 घंटे होना चाहिए, ठीक है। या फिर अभी नया अपडेट भी आया है कि यदि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हैं और या फिर 10 मिलियन, एम का मतलब होता है मिलियन, 10 मिलियन व्यूज हैं ऑन शॉर्ट वीडियोज़, यदि आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और 90 दिनों के अंदर यदि लास्ट 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पर शॉर्ट वीडियोज में 10 मिलियन व्यूज आ गए हैं, टोटल सभी शॉर्ट वीडियो का मिला करके, सभी शॉर्ट वीडियो के व्यूज मिला करके काउंट करके लास्ट 90 दिनों के अंदर, जैसे ये लास्ट 365 दिनों के अंदर 4000 घंटे, वैसे ही लास्ट 90 दिनों के अंदर यदि आपके शॉर्ट वीडियोज पर 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं तो भी आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो चौथा पॉइंट होता है, मोनेटाइज, ठीक है। तो मोनेटाइज क्या होता है, तो जब ये आप दोनों एक पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों ये जो एक क्रिटेरिया होते हैं, आवश्यक चीज़ें होती हैं चैनल के लिए, चैनल से पैसे कमाने के लिए, तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर लास्ट 90 दिनों के अंदर आपको 10 मिलियन व्यू चाहिए होते हैं। तो जब ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका चैनल होता है मोनेटाइज, ठीक है। तो मोनेटाइज होने के बाद, तो जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो सबसे पहले एड्स चलते हैं, यानी कि प्रचार चलता है, तो उस प्रचार से हमको पैसे मिलते हैं। तो आपके वीडियोज़ पर भी वैसे ही प्रचार चलेंगे, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट चलेंगे मोनेटाइज के बाद। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो बताई है, यदि आप जानना चाहते हैं उन पॉलिसीज़ को और नियमों को कि यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाना होता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। उसके बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज कर देते हैं यूट्यूब टीम, तो उसके बाद आपके वीडियोज़ पर भी प्रचार आने लगता है, एड्स आने लगते हैं, और प्रचार आने के बाद आपके पैसे काउंट होने लगते हैं, ठीक है। तो आपके चैनल पर पैसे आने लगते हैं, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक हो जाता है यूट्यूब से, और बैंक अकाउंट नंबर लिंक होने के बाद आपको हर महीने की 21 से 26 तारीख के बीच में आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी कि यूट्यूब से पैसा कैसे आता है, तो अब कितने व्यूज पर कितना पैसा मिलता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो यानी कि यदि आपके वीडियो को 100 लोगों ने देखा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, यदि आपके वीडियो को 1000 लोगों ने देखा तो कितने पैसे मिलेंगे, आपके वीडियो को 100000 लोगों ने देखा तब कितने पैसे मिलेंगे, यदि आपकी वीडियो को 1000000 लोगों ने देखा यानी कि 1 मिलियन लोगों ने देखा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये मैंने पूरी जानकारी एक नाइस अलग से वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि यूट्यूब चैनल से पैसे कैसे आते हैं। सो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।